आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर स्थापित बनारस के एक एक दिल पे राज करने वाले बड़े भाई मंत्री जी आदरणीय तिवारी जी, और सामने मेरे बैठे हुए हैं बड़े भैया श्रीमान आलोक श्रीवास्तव जी, आदरणीय कमिश्नर साहब, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं अनुमति मांगता हूँ, आपने बनारस का क्या खूब परिचय कराया है, बहुत खुशी हुई। मैं एक बनारस से और आपका परिचय कराना चाहता हूँ। स्वागत है, बढ़िया। बनारसी कैसे होते हैं सुनिएगा, कि भाई जहाँ भोर भिनुसार भाई बंधुन के, गंगा में नहाई नित स्वस्थ हैं बनारसी। भाई जहाँ भोर भिनुसार भाई बंधुन के, गंगा में नहाई नित स्वस्थ हैं बनारसी। मौज मस्ती मजा मनोरंजन मजाक मान नित्य कर्म पद्धति में व्यस्त हैं बनारसी। और यदि साधु संत ऋषि मुनियों की टोली यहाँ, ठग भी उचक्के जबरदस्त है बनारसी। और यदि साधु संत ऋषि मुनियों की टोली यहाँ, ठग भी उचक्के जबरदस्त है बनारसी। और शिव का नगर शिव गण ही निवास करे, बांग छाने भक्ति में मस्त है बनारसी। अच्छा, वाह भाई वाह। मित्रों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। बनारसी लोग बड़े तुनक मिजाज टाइप के होते हैं। एक रचनाकार जब बनारस आए तो उन्होंने कहा, दमदार मुझे बनारस घुमाओ। मैं उन्हें मोटरसाइकिल पर पीछे बिठा के ले जाने लगा बाबा विश्वनाथ का दर्शन कराने। अब आप देखिए, बाबा के यहाँ जाइए, अगर आप गोदवलिया से जा रहे हैं या मैदागिन से जा रहे हैं, इतना जाम रहता है, बहुत सारे लोग अर्थी लेकर के जाते हैं क्योंकि वही मणिकर्णिका जाने का रास्ता है। मित्रों, भाई साहब ने कहा गाड़ी मैं चलाऊंगा। मैंने कहा, भैया आप जानते नहीं बनारसी पब्लिक बड़ी तुनक मिजाज होती। बोला, कोई दिक्कत नहीं, मैं चलाऊंगा। भाई साहब ने गाड़ी ले ली, मोटरसाइकिल चलाने लगे। इत्तफाक से आगे उनके अर्थी वाले मिल गए, कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे थे। अब भैया पीछे से लगातार हॉर्न बजाए जा रहे हैं। बनारसी तुनक मिजाज पब्लिक क्या जवाब देती है, जवाब पसंद आए तो जोरदार तालियां ठोक करके सूचित कीजिएगा। वो लगातार हॉर्न बजाए जा रहे हैं, वो अर्थी लिया हुआ आदमी पीछे वाला अर्थी कंधे पे लिए लिए पीछा पलट के बोला, ऐसे पहले जइबा का। भाई बहुत विपरीत स्थिति है भाई साहब, ये बनारस ही है। अच्छा, इससे एक और बात बताता हूँ, पूरे एक एक गर्व करने की बात बताता हूँ। आदरणीय मंत्री जी सुनिएगा, बहुत बहुत बड़े गर्व की बात बता रहा हूँ। आजादी की लड़ाई में पूरे हिंदुस्तान में जब तिरंगे को बैन कर दिया गया था, तो बनारसी हलवाइयों ने तिरंगा बर्फी बना करके अपना योगदान दिया था। हम उस बनारस में खड़े हैं, ये बनारस हमारा है। और मैं चार पंक्तियों से शुरू होना चाहता हूँ, इजाजत। स्वागत भाई, स्वागत। कि जिसपे हर वक्त सनीचर सवार होता है, हमें ऐसी ही माशुका से प्यार होता है। वाह भाई वाह। जिसपे हर वक्त सनीचर सवार होता है, हमें ऐसी ही माशुका से प्यार होता है। और मिले जब कई दफे जूते तो हमने ये जाना, इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। भाई साहब, मैं बहुत सारे चैनलों में जाता रहता हूँ। चैनलों के प्रोग्राम करना स्थिति ये हो जाती है कि वो एक दिन पहले विषय देते हैं, उस विषय पे कविता लिखनी होती है। आदरणीय श्रीवास्तव जी, बड़ी कठिन काम होता है। वो एक दिन पहले विषय आता है। मुझे जब चैनल से फोन आया तो मुझे कहा गया कि भाई आर्थिक मंदी चल रही है, रुपया गिर रहा है, इस पर आपको कविता करनी है। मैंने कहा लिख दूंगा। फिर 10 मिनट बाद फोन आया, बोला कि मोदी जी के खिलाफ लिखना है। मैंने कहा ना। बरसों बाद एक बहुत अच्छा नेता हमारे हिंदुस्तान को मिला है, जिसे पूरी दुनिया सलाम कर रही है, मैं उसके खिलाफ क्या लिखूं, कुछ गलत हो तो लिखूं। मैंने कहा कुछ नहीं, रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं, रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों, गिरा क्यों। ठीक बात है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं बनारस का आदमी हूँ, मैंने मोदी जी को वोट दिया है, जिताया है, इसलिए मैं छाती चौड़ी करके बोलता हूँ कि रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं। इनके पहले से स्थितियां चली आ रही हैं। मैंने जो बताने का प्रयास किया, आपके घर का लड़का हूं, अगर बात पसंद आ जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने लिखा कि 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, राम गिर पड़े। हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है।
कसम खा के बता रहा हूँ, इस समय बजाई हुई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। मैंने लिखा दोस्तों कि 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम, गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? बहुत वाह भाई वाह, विषय मिला पाकिस्तान पे लिखी है। मैंने कहा ये पाकिस्तान के रोज की नौटंकी है, रोज रोज फिर सीज फायर का उल्लंघन करना, रोज ठुक करके वापस चले जाना। जिसकी जो प्रवृत्ति होती है, जिसका जो नेचर रहता है, वो अपना नेचर कभी नहीं छोड़ता। मैंने कहा पाकिस्तान पे बहुत कीमती शब्द लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने बनारसी अंदाज में कहने की कोशिश की कि है दौलतमंद जो दुनिया में अपना धन दिखाएगा, है दौलतमंद जो दुनिया में अपना धन दिखाएगा, जो अपने फन में माहिर है वो अपना फन दिखाएगा। तुम पाकिस्तान की हरकत पे हैरानी नहीं करना। चौथी पंक्ति पे जोरदार ताली उठनी चाहिए अगर आप पाकिस्तान के समर्थक नहीं है तो। यह दौलतमंद जो दुनिया में अपना धन दिखाएगा, जो अपने फन में माहिर है वो अपना फन दिखाएगा। तुम पाकिस्तान की हरकत पे हैरानी नहीं करना। जन्म से जो कमीना है कमीनापन दिखाएगा। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। मित्रों कुछ दिन पहले, अब मैं समेटने की कोशिश करता हूँ, लंबी फहरिस्त है। कुछ दिनों पहले एक नेता का बयान आया कि हम चिकन नेक से काट करके भारत से कश्मीर को अलग कर देंगे। मैं तात्कालिक विषयों पे लिखता हूँ। जब चैनल से मुझे ये विषय दिया गया तो मुझे बहुत क्रोध आया, क्योंकि वो हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान का दाना खाकर और हिंदुस्तान की ही बात करता है कि हिंदुस्तान में चिकन नेक से काट के कश्मीर को, आसाम को अलग कर देगा। तो मैंने 4 लाइनें लिखने की कोशिश की। मैं देखना चाहता हूं कि बनारस की देशभक्त जनता इन पंक्तियों को किस तरह से स्वीकार करती है, सुनिएगा। मैंने लिखा कि देश तोड़ने जो भी आए अपनी मुंह की खाएगा, देश तोड़ने जो भी आए अपनी मुंह की खाएगा। मुर्गा कुकड़ू कू बोले तो शेर कहां दुर्राए। देश तोड़ने जो भी आए अपने मुंह की खाएगा। मुर्गा कुकड़ू कू बोले तो शेर कहां घबराएगा। और चिकन नेक में चिकन खिला के नेक दबाया जाएगा, तब सरजील ईमान देखना बाप बाप चिल्लाएगा, तब सरजील ईमान देखना बाप बाप चिल्लाएगा। और 4 लाइनें मैंने पढ़ी कि हैसियत 2% की और उस पे सोच उन्मादी, हैसियत 2% की और उसमें सोच उन्मादी। वो हमसे छीन के कश्मीर या बंगाल क्या लेंगे। जो कहता है कि हिंदुस्तान से आसाम काटेगा, उसे भारत के सैनिक टुकड़े टुकड़े काट डालेंगे, उसे भारत के सैनिक टुकड़े टुकड़े काट डालेंगे। और अंत में एक छंद दे करके अपना स्थान लेता हूँ। पिछले दिनों एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है छपाक। छपाक मूवी एक एसिड अटैक की पीड़िता लक्ष्मी पर फिल्म आई गई, बहुत अच्छी फिल्म है। दीपिका पादुकोण उसकी हीरोइन है, बहुत अच्छी बात है। वो प्रमोशन के दौरान बहुत जगह गई, बस एक जगह जाकर उन्होंने गलती कर दी। वो जेएनयू में उन जैसे लोगों के साथ जाकर के खड़ी हो गई जो हिंदुस्तान में रह करके भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाते हैं। मैं माँ गंगा की गोद में बने हुए इस पवित्र मंच से ये छंद पढ़ता हूँ, आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपना स्थान ले लूंगा। वो जब जाकर के जेएनयू में उन लोगों के साथ खड़ी हो जाती हैं जिन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा तोड़ डाली, तो मुझे लिखना पड़ा ये छंद। उसी दौरान निर्भया के आरोपियों को फांसी की सजा हुई और मैंने इस छंद में दोनों घटनाओं को जोड़ करके लिखने का प्रयास किया है। मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। कि फिल्म का प्रमोशन जरूरी था ये मानता हूँ, लक्ष्मी के साथ ही संवर गई होती तुम। फिल्म का प्रमोशन जरूरी था ये मानता हूँ, लक्ष्मी के साथ ही संवर गई होती तुम, लक्ष्मी के साथ ही संवर गई होती तुम। प्रतिमा विवेकानंद की जिन्होंने तोड़ डाली उनके भी
बीच जाने से मुकर गई होती तुम, टुकड़े टुकड़े गैंग के हिसाब जाके खड़ी हुई, चुल्लू भर पानी में उतर गई होती तुम। तालियां थाम के रखिए, मैं चाहता हूं कि चौथी पंक्ति पर आपकी भरपूर तालियां मुझे मिले, आपका प्यार आपका आशीर्वाद लेकर के बैठूं। मैं पढ़ता हूं कि फिल्म का प्रमोशन जरूरी था ये मानता हूं, फिल्म का प्रमोशन जरूरी था ये मानता हूं, लक्ष्मी के साथ ही समर गई होती तुम। प्रतिमा विवेकानंद की जिन्होंने तोड़ डाली, उनके बीच जाने से मुकर गई होती तुम। प्रतिमा विवेकानंद की जिन्होंने तोड़ डाली, उनके बीच जाने से मुकर गई होती तुम। और टुकड़े टुकड़े गैंग के ही साथ जाके खड़ी हुई, चुल्लू भर पानी में उतर गई होती तुम। और पूरे देश में तुम्हारा मान और बढ़ जाता, एक बार निर्भया के घर गई होती। वाह, पूरे देश में बहुत 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 एक बार जोरदार तालियां।